हेलो गाइस वेलकम टू इन माई चैनल स्टडी विद अमन अमनकूल आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जी इन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर एटीन जो कि क्लास एट के लिए है सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है जोग्राफी की बुक्स है चैप्टर नंबर फाइव है इंडस्ट्रीज डेट है ट्वेंटी सेवन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास आप फिल कर लेंगे टॉपिक है आपका फैक्टर्स इनफ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री का जहाँ लोकेशन रखते हैं हम वहाँ के कौन कौन से फैक्ट्रियाँ इन्फ्लुएंस होते हैं वो हमें पढ़ना है आज की वर्कशीट में तो स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन दूस प्लेसेस वेर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सिटबल लैंड ये लैंड वाटर सप्लाई मैन पावर वर्कर्स कैपिटल ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट कैन ईजीली बी ईजीली अरेंज्ड यानी इंडस्ट्री सिर्फ वहीं पे लग सकती है या वहीं पे कंसंट्रेट हो सकती है जहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जैसे रॉ मटेरियल लैंड वाटर सप्लाई हो वर्कर्स हों और कैपिटल हो ट्रांसपोर्टेशन यानी आने जाने के साधन हो मार्केट हो कि जहाँ पे इजीली सब कुछ बेचा जा सके समटाइम्स द गवर्नमेंट आल्सो परफॉर्म मैनी इनकरेजिंग वर्क्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी और कोई कभी कभार गवर्नमेंट्स होती है वो भी हाँ जो इंडस्ट्रीज़ के काम करती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एट लो प्राइसेस फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरियाज़ कि की, की इंडस्ट्रीज़ वहाँ सेट हो जाए वो लो प्राइसेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कि उनका जो सिटी है उसकी ग्रोथ हो डेवलपमेंट हो इसलिए the establishment of these industries leads to an increase in employment as well as growth and development of town and cities jo in industries ka establish yani jahan pe ye bas jati industries banna start ho jati hai wahan pe jo employment hoti hai wo bad jata hai ye ki jo log hote hain jo kam जो वहाँ पे industries में काम करते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है कि उन उनके पैसे आने का एक साधन बन जाता है और उस शहर की टाउन की भी ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होते हैं जो मैंने आपको बताया अभी सेकेंड आपका इंडस्ट्रील सिस्टम तो इंडस्ट्रियल सिस्टम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम इज़ मेनली प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड आउटपुट इंडस्ट्रियल सिस्टम को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है इन्वेस्टमेंट में प्रोसेस में एंड आउटपुट में इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ़ रॉ मटेरियल्स लेबर एंड लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स अब हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं कहीं तो वहाँ पे हमें अपना पहले इन्वेस्टमेंट भी तो करना है हमें वहाँ पे पहले अच्छे से रॉ मटेरियल्स लगाने हैं लेबर्स लगाने हैं इंडस्ट्री को बनाने के लिए लैंड होना चाहिए वहाँ पर पानी होगा तभी तो काम करेंगे हम ट्रांसपोर्ट होगा तभी वहाँ पे सामान भिजवा पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि इंडस्ट्री तभी तो काम करेगी फिर आपका द प्रोसेस अब प्रोसेस आपका सेकेंड है टाइप तो उसके बारे में पढ़ते हैं द तो प्रोसेस इन्वॉल्व वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इंटू रिफाइंड मटेरियल्स अब जो प्रोसेस है वो बहुत वेराटी ऑफ एक्टिविटीज़ वो कंटेन करती है जैसे रॉ मटेरियल का ट्रांसफॉर्म होना एक रिफाइन मटेरियल से तो ये गया आपका अब है आपका, आपका आउटपुट आउटपुट इज़ द तो फाइनल प्रोडक्शन द गुड्स बीइंग रेडी फॉर यूज एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट आउटपुट में होता है जो आपका जो फाइनल प्रोडक्शन होता है जो रॉ मटेरियल से आप कहाँ सब कुछ गुड्स बना यानी प्रोड्यूस कर चुके हैं अब उससे आप इनकम अर्न हो उसे आउटपुट कहते हैं अब आपका आउटपुट भी कंप्लीट होता है अब आपको कुछ बताया गया है जो इन दं कंटेक्स्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कॉटन ह्यूमन लेबर फैक्ट्री ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट कैन बी इन्वेस्टेड और जो हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे कॉटन ह्यूमन की जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं ट्रांसपोर्टेशन ये सारे इन्वेस्ट हो जाते हैं और जो प्रोसेस इनमें होती है वो गिनिंग होती है कटिंग होती है वीविंग होती है डाइंग होती है प्रिंटिंग होती है जो आपको अभी बताया गया ऊपर आउटपुट प्रोसेस एंड इन्वेस्ट ये सब उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रोसेसिंग ऑफ कमोडिटी ये सारी प्रोसेस होती हैं और द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस शर्ट फ्रॉम द कमोडिटी बिकम एज द फाइनल प्रोडक्शन वी तो जो आउटपुट में आता है कि जो शर्ट आखिरकार बन जाती है वो वो जिससे बिकने वाली होती है अन जिससे मनी आने वाली होती है उसे हम आउटपुट में की कैटेगरी में डालते हैं तो ये आपको एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया गया था और उसके बारे में बताया गया था कि तीनों टाइप्स या तीनों फील्ड्स कैसे आती है अब आपका थर्ड इंडस्ट्रियल टेरिटरीज इंडस्ट्रियल टेरिटरीज में होता है इंडस्ट्रियल रीजन ग्रो वे आर मैनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर स्टिबलीस इन देयर विक्टीनिटी ड्यू टू द अप्रॉक्सिमिटी दीज इंडस्ट्रीज गेट बेनीफिट अमॉन्ग दम सेल्स तो इंडस्ट इंडस्ट्रियल टेरीटरीज में आएगा आपका जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी वहाँ जा वहाँ लगती हैं जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने फ़ायदे के लिए लगती हैं अपने बेनिफिट्स के लिए लगती हैं क्योंकि अगर जहाँ इंडस्ट्रीज होगी अगर उनके पास सामान कम पड़ गया अगर रॉ मटेरियल्स कम पड़ गए तो वो किसी और इंडस्ट्री से भी ले सके ये है आपका मेजर इंडस्ट्रीज़ रीजन ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अमेरिका वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट एशिया मोस्ट ऑफ दम इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन नियर द सी एंड स्पेशली नियर कोलफील्ड्स और जो आपकी वर्ल्ड में ये आपको जो नॉर्थन अमेरिका वेस्ट यूरोपिया ईस्टर्न यूरोप ईस्ट एशिया ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादातर सी की तरफ लोकेट हैं या नियर कोल फील्ड्स कोल फील्ड्स की तरफ लोकेट हैं तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी आई होप आपको समझ आ गई होगी अब आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्कशीट से ही आपके सारे आंसर होते हैं बट आपको अच्छे से ईजी क्वेश्चन के जो वर्कशीट की लैंग्वेज है वो आप क्या कर ले हार्ड हो जाती है तो हम आपके लिए आंसर बनाते हैं तो आप उन्हें पढ़िएगा अच्छे से तो ये आपको आंसर बी लगेंगे एक्टिविटी है चिल्ड्रेन यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ़ द नेम्स ऑफ दैट आर यूज इन योर होम विच कम्स इन इंडस्ट्रीज़ अब आपको बताना है कि दस चीज़ों के नाम बताने हैं जो आपके घर में सामान है जो आप यूज़ भी करते हैं वो इंडस्ट्री से बनाएँ तो आई थिंक आपका घर का सारा सामान इंडस्ट्री से बनाए अगर आप बैग यूज़ करें तो वो भी इंडस्ट्री से बनाए अगर आप फ़ोन यूज़ करें वो भी इंडस्ट्री से बनाएँ तो ये आपका ज़्यादातर सारी चीज़ें इंडस्ट्री से ही बनी है तो आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन ही है आप आंसर में टेन नेम लिख देंगे शुगर जो आप चीनी खाते हैं वो, है। है। वो भी इंडस्ट्री से है फर्नीचर यूज़ करते हैं जैसे बेड सोफा वग़ैरह वो भी इंडस्ट्री से है नोटबुक इंडस्ट्री से पॉट इंडस्ट्री से क्लोथ इंडस्ट्री से मोबाइल सीमेंट एंड आप लिखेंगे सीमेंट बेड शीट्स ट्यूबलाइट्स टी तो ये सब आपका इंडस्ट्री से ही बना है तो ज़्यादातर चीज़ें आपके जो घर में वो इंडस्ट्री से ही बनी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आई मीन इंडस्ट्रीज ने ही बनाई है सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वट आर द थिंग्स टू बी इन माइंड फॉर सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्रीज अब एक आपको थिंग बतानी है तो जो आपके माइंड में है जो सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्रीज़ के लिए है तो आपको बताना है इंडस्ट्रीज़ आर मेनली कंसनट्रेटेड इन दोज प्लेसेस वे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल्स इंडस्ट्री वहीं लगती हैं जहाँ रॉ मटेरियल्स का अवेलेबल हो सटेबल लैंड हो वाटर सप्लाई हो मैन पावर हो वर्कर हो कैपिटल हो ट्रांसपोर्टेशन हो और मार्केट्स ये सब ईजीली अरेंज हो तो यहीं पर सेटिंग होता है इंडस्ट्रीज़ का सेकेंड है वट काइंड सिस्टम इज़ एन इंडस्ट्रियल सिस्टम अब इंडस्ट्रियल सिस्टम है क्या है तो आप लिखेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम इज मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड आउटपुट यानी ये एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट है इसमें प्रोसेस है और आउटपुट है तो इन्वेस्टमेंट आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द कोस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स लेबर लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ़ वाटर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स The process involves a variety of activities that perform raw material into refined materials. Third output is the final production, the goods being ready for use and the income earned from it. So, this is your industrial system. Now, what do you mean by industrial sector? industrial sector? you industrial reasons grow heavier. Many type of industries are established in the vicinity. ड्यू टू द अप्रॉक्सीमेटी दीज इंडस्ट्रीज गेट मैनी बेनिफिट अमॉन्ग दैमसेल्स तो ये आपका आंसर है आपको मैंने ये सब कुछ समझा दिया है पहले ही तो आपने नहीं समझा है तो आप ओपो वोशीट में स्टार्टिंग से देख सकते हैं वट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ तो इसका आंसर करते हैं वट आर देनिफिट ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ का होना या अगर हम किसी जगह पे इंडस्ट्री को सेट कर दें तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं तो इट इन रिड्यूसिस डिपेंड्स ऑन अदर कंट्रीज़ एंड इम्प्रूव्स इन इकोनॉमी ये हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करती है हम किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं होते सेकेंड है इट क्रिएट अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हेल्पिंग इन द रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और ये लोगों के लिए मदद करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो और ये अपॉर्चुनिटी देती है कि लोगों को जॉब्स प्रोवाइड हो जाती है इससे और सैलरी मिलती है आय का स्रोत भी बोल सकते हैं मैं इट रिजल्ट इन राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये राइज करती है लिविंग का स्टैंडर्ड तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी तो आई होप आपको समझ आ गई होगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बाय बाय गाइज